आगे हरियाणवी, आगे हरियाणवी, छागे हरियाणवी, आग से लगा दी तुम ठागे हरियाणवी, आगे हरियाणवी, छागे हरियाणवी, आग से लगा दी तुम ठागे हरियाणवी। स्टार्ट। सभी मलिक मुर्रा लवर गाइड चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने बताया था आपको कि हर हफ्ते हम एक से दो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बड़ा अहम रोल है और आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे पेट से रिलेटेड। ये सब उन लोगों के लिए है जो नए डेयरी फार्मिंग करते हैं, जिनको चारा खिलाने की दिक्कत आती है, भैंस को दूध को प्रॉपरली मैनेज करने की दिक्कत आती है। कुछ लोगों की शिकायत है कि हम भैंस ले आते हैं दूध घट जाती है, तो ये जो वीडियो का जो पार्ट है आज का, आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये पिछली जो फीडिंग के ऊपर जो वीडियो थी उसका कंप्लीट पार्ट है। तो पीछे मैं एक बात क्लियर कर दूं, पीछे एक भाई ने, महानुभाव ने कहा मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज छोड़ गई, ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है या ये तो आप पहले बता ही चुके हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको पता है तो सबको पता हो, हर कोई जानकार नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। और बात रही जानकारी की, जिन लोगों को जानकारी है ऑलरेडी, मेरे से भी बहुत ज्यादा जानकारी है, तो वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करें यूट्यूब के ऊपर, वो देखो ही ना, उल्टा उसको कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर मैंने तो इसके बारे में पता है तो आपको पता है तो क्या जरूरत है भाई, किसने आपको फोर्स किया कि आप वीडियो देखो, कोई नहीं कहता। बट कुछ लोगों की अननेसेसरी कमेंट करने की आदत होती है, छोड़िए उस फीड को। बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता भी, मेरे पास आते भी हैं, वेटिंग में भी हैं ट्रेनिंग के लिए, यदि पता ही होता तो फिर नौबत नहीं होती और इतनी जानकारी होती तो डेयरी फार्मिंग घाटे की तरफ नहीं जाता, सारी समस्या ही अज्ञानता की है, आधी नॉलेज की है, आधी अधूरी नॉलेज की है, आसपास के जो माहौल को देखते हो। ये नहीं है अगर शाम को आपको टाइम से बढ़िया रोटी मिल गई और पेट भर गया और आप सोचो कि पूरी दुनिया ही खाना खा के सोई है। 30% लोग हिंदुस्तान के अंदर खासकर बेचारे भूखे भी सोते हैं, तो जो रोटी मिलती है ना उसकी इज्जत करिएगा, परमात्मा का शुक्रगुजार रहिएगा कि हाँ मैं अभी जो रोटी खा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मैंने अच्छा कर्म किया होगा जो टाइम लिखा रहा हूँ। नहीं तो उस टाइम के अंदर कुछ लोग रोटी के वेटिंग में बेचारे भूखे ही बैठे हैं, उनसे पूछिएगा कि रोटी की कीमत क्या होती है, इसलिए उसका अपमान न करिएगा। और ये भी ठीक उसी तरह है, जिन लोगों को बिल्कुल भी बेचारों को जानकारी नहीं है, और ये बारीक से बारीक पॉइंट मुझे पता है, कोई डॉक्टर नहीं बताता है, कोई साइंटिस्ट नहीं बताता है, क्योंकि उनके पास क्यों मारेंगे, उनके पास 2-2 लाख की तनख्वाह है, क्यों मत्था मारेंगे वो। सिर्फ मेरा डेडिकेशन है किसान के लिए और मैं सोचता हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्यों नहीं वो कर सकते, मेरी लगन है या मेरा पागलपन है, कुछ भी आप इसको कह सकते हो। मैंने बहुत सारी डेयरी ट्रेनिंग देखी है, उनके अंदर कितना बताया जाता है और क्या बताया जाता है, सब छुरी है वो, उनके पास बुकिंग नॉलेज है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि लुवास यूनिवर्सिटी के अंदर तो फीड फार्मुलेशन दिया जाता है, यदि लुवास यूनिवर्सिटी वाला फीड फार्मुलेशन से आप सेट हो, सेटिस्फाई हो, आपकी भैंस प्रोडक्शन देती है, तो किसने आपको बाध्य किया भाई आप खड़चुरी डालो। ये तो उन लोगों के लिए है जो किसी भी फीड से सेटिस्फाई नहीं है और भैंस को पीक पे नहीं ला सकते। यूनिवर्सिटियां यदि 22-23 लीटर दूध निकाल देती तो किसान को प्रॉब्लम ही कहा होती, यदि वो ऐसे टिप्स दे देती तो किसान की प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो सारा मत्था पची करने के बावजूद भी उसकी भैंस डॉक्टर का जोर लगाने के बाद, मेडिसिन देने के बाद बावजूद उसके वो और माइनस में चली जा रही है, वो बिग प्रॉब्लम है। और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर मेरे पास कॉल आते हैं एट द लास्ट मोमेंट पे, जब कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर सोचते हैं अब मलिक भाई से फोन करें और मैं पूरी बात क्लियरली बताता हूँ। चलो वो एक अलग मेथड था, हम लोगों की आदत होती है कहने की, उन्होंने कुछ न कुछ कहने से मतलब होता है, छोड़िएगा उन बातों को। तो अभी हम बात आते हैं अहम जो पार्ट होता है भैंस का, रूमन का, किसी भी जानवर का पेट का जो पार्ट होता है। आपने अच्छा खाना तो बना लिया घर पे, बढ़िया परोस दिया, लेकिन सामने खाने वाले का दिल नहीं है, कोई बीमारी की वजह से उसका पेट सही नहीं है, कोई भी रीजन, या वो तनाव में है,
उसने खाया नहीं, आपके कोई मेहमान आ जाता है वो तनाव में है, आपने बहुत अच्छा परोस दिया लेकिन उसने खाया ही नहीं, तो आपकी जो बनाने वाली मेहनत वो क्या होगी, वेस्ट, जीरो होगी। उसी तरह ठीक भैंस का है, आपने अच्छे से फीडिंग भी कर दिया, अच्छा दाना भी तैयार कर दिया, पर भैंस ने नहीं खाया तो फायदा क्या हुआ उसका। तो हम आज बात करेंगे कि वो खाए कैसे और वो क्यों खाती है, उसकी वजह क्या होती है। बहुत सारे के लोगों की क्वेश्चन होते हैं, अगर मेरी भैंस खा नहीं रही मैंने लियोटोनिक दे दिया, जबकि लियोटोनिक का तो खाने से कोई संबंध ही नहीं है, वो तो अलग पार्ट है, ये कनेक्टेड है सारा सिस्टम एक दूसरे से। पेट का, लीवर का अपना फंक्शन है, पेट का अपना फंक्शन है, पेट में क्या चल रहा है, लीवर का क्या काम है। जैसे एक गाड़ी के अंदर क्लच का और एक्सीलेटर का, रेस का अलग अलग महत्व होता है। क्लच क्या है, रनिंग, एक बार गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन उसके साथ में ठीक आप ड्राइवर है तो भली बात समझ जाओगी, एक्सीलेटर का भी महत्व होता है। एक्सीलेटर प्रेस करेंगे जब भी रनिंग करेंगे, पहले स्टार्टिंग कहां से होगी, क्लच से, फिर कहां पे बात जाएगी एक्सीलेटर पे, स्पीड किससे पकड़ेगी, रेस से। वैसा ही है लीवर, सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, रूमन। और आगे यदि लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो वहां पे सिस्टम दम हो जाएगा, आगे उसकी जरूरत नहीं है, खपत नहीं है, तो वहीं जाम हो जाएगा सिस्टम। तो ये एक दूसरे के पूरक है। तो भूख का जो मतलब होता है वो रूमन से, और रूमन में फंक्शन किसका होता है, मैं पहले भी बता चुका आप लोगों को, माइक्रोफ्लोरा का होता है। माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा क्या होते हैं, जो ही हम भैंस का आपने सुना होगा चार हिस्सों में पेट होता है, वो भी पेट मामला चार हिस्से किसका बोलते हैं, पहले पार्ट के अंदर टैंक नुमा जो सिस्टम होता है उसके अंदर जो भी हम पानी है, तूड़ा है, फैट है, तेल है, सब मेडिसिन है, वो उसके अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाके क्या होता है, वो गलता है सिस्टम। तो वो गलने की प्रक्रिया क्या होती है, वो गलने की प्रक्रिया को प्रॉपरली कौन करता है, माइक्रोफ्लोरा करता है। जितने माइक्रोफ्लोरा ज्यादा होंगे उतना ही उसका जो सामान हमने अंदर तूड़ा, हरा चारा, दाना डाला है उसको वो तोड़ देते हैं। तूड़ी की जगह यदि आपने भैंस को गत्ता, अखबार, कुछ भी डाल दिया तो माइक्रोफ्लोरा काम है उसको तोड़ के ना टुकड़ों में बांटना, टुकड़े में बांट के ना वो दूसरे पार्ट को सप्लाई कर देंगे, यानी कि बड़ी आंत को। आप देखते हो भैंस एक बार तो खाती है, पूरा खाती है, अंदर से डिमांड है, पूरा टैंक फुल हो जाएगा तो फिर क्या करेगी वो, कुछ टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद जुगाड़ स्टार्ट कर देती है। इसका फंक्शन उल्टा होता है थोड़ा, पहले जाएगा सड़ेगा, सड़ने के बाद वापस फिर वो थोड़ी सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो वो डाइजेस्ट करना, जुगाड़ से उसको फिर वो डाइजेस्ट करती है, फिर वो सेकंड हाथ में चला जाता है, और सेकंड हाथ से जब उसका जुगाड़ने के बाद में रस निकल जाता है तो लीवर को फंक्शन जाता है, वो लीवर को सप्लाई कर देता है, लीवर उसको आगे फिल्टर करके ना हार्ट को देता है, ग्लूकोज बढ़ता है और मलमूत्र को अलग साइड में। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहां पे एक बीच में छोटी सी बात और आ गई, तूड़े की या सोप डालने की, जो मैं देखता हूं ये जो पहले फंक्शन को ही प्रभावित करते हैं, पहले पेट को ही। जैसे कि मैं कई बार वीडियो भेजते हैं गुजरात से मेरे भाई, तो वहां पे सीधा ही ज्वार की पुड़ी है, बाजरे की पुड़ी है, सीधा लंबा तना यूं का यूं डाल देते हैं। तो वो जितना लंबा डालेंगे उसको पशु खाने में अनकंफर्ट फील करता है, वहां के पैदावाइश तो उसको खा लेते हैं क्योंकि बाई बर्थ वो वहां पे पैदा हुए हैं और वो उसके खाने के आदि हो जाते हैं। सपोज कि हरियाणा से भैंस गई, उसको यहां बारीक तूड़ा खाया, हाफ इंच का तूड़ा हरियाणा में बनाते हैं, हरियाणा में तूड़े पे इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है, दो चार दिन कितना भी मौसम खराब है उसके बाद भी लेट हो जाते हैं, ताकि तूड़ा जब बनवाएंगे जब बिल्कुल सूख जाएगा ताकि वो बारीक हो जाए। वो बारीक क्यों, तो बारीक का क्या फायदा है, बारीक तूड़ा भैंस के आगे आप डालोगे तो बगैर आटे बगैर दाने वैसे ही खा जाती, सॉफ्ट होता है, खाने में अच्छा लगता है, और जितना बारीक होता है उतना ही पेट में जाके जल्दी गल जाता है, वो गल जाता है मतलब उसको माइक्रोफ्लोरा जल्दी डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं छोटे टुकड़ों में। यू का यू लंबा फरड़ा तना खाएगी तो उसको भैंस को उसको तोड़ने में या कहीं माइक्रोफ्लोरा को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है उसको तोड़ने में। इसीलिए जो हरियाणा की भैंस से जो गुजरात वगैरह में जाती है, पहला पॉइंट है ये छोटा सा पॉइंट देखो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। वो भैंस जो फरड़े खाएगी, लंबा तना खाएगी, यानी कि साबत फोडर
यू का यू कंप्लीट बड़ा फोडर को खाएगी तो उसकी प्रोडक्शन 18 किलो पे से 8, 9 लीटर 6 लीटर आ जाएगी। तो आप कैल्शियम मिनरल मिक्सचर वो तो बाद की बात है। ये देखो आपका केस कहां से बिगड़ा है, आपका केस बिगड़ा बेसिक फीडिंग से, यानी कि हरियाणा में हाफ इंच का तूड़ा खाती थी, स्ट्रा खाती थी वो, और वहां पे उसको इतना इतना लंबा मिल गया 6-6 फुट का, तो उसको तोड़ मरोड़ की जैसे भूखी मरती, जब उसको दो पांव को जगह नहीं रखती वो भूख के लिए पूरी वो मजबूर हो जाती है, उस लास्ट स्टेज पे उसको खाना स्टार्ट करती है, तब लग उसका दूध घट जाता है ना, बॉडी रहती है। तो आपकी पहली मिस्टेक कहाँ होगी, तूड़े पे, यानी कि जितना बारीक तूड़ा होगा उतना ही बढ़िया होगा। हमारे साथ लगते स्टेट पंजाब में वहां पे भी 1-1.5 इंच का तूड़ा होता है, जो कि हरियाणा की भैंस उसको खाना ही पसंद नहीं करती इतने मोटे तूड़े को, और एक तो मोटा ऊपर से ज्यादा मात्रा में। कल का एग्जाम्पल देता हूं मैं, 10 दिन पहले मेरे पास से कोई बहन जी भैंस लेगी पंजाब की, तो वो 10 दिन से परेशान, डॉक्टर को दिखा लिया, कभी भैंस का टेम्परेचर लो, कभी आप, कभी चारा ना खाए, कभी ऊपर दिखती है, कभी इधर दिखती है, वही ताक जागड़ा काम जो मैंने कहा। मैंने कहा बहन जी आप मुझे आज वीडियो कॉलिंग पे फीडिंग दिखाना इसका। ये एग्जाम्पल क्यों बता रहे हो आपको, क्योंकि ये बातें आपके साथ घटती है, वीडियो लंबी तो हो जाती है लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। तो उसने वीडियो कॉलिंग पे वो थैला लेके आई तूड़े का, और उसमें डालने के बाद मैंने बंद करो बंद करो, 1.5 किलो तूड़ा डाला, फिर उसने उसके ऊपर फीडिंग डाला, फीडिंग डालते ही भैंस ने ऐसे स्पीड में खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बस वो मिलाओ मत इसको, ऐसे छोड़ दो, और 15 मिनट में वो भैंस ने चारा फिनिश कर दिया। उसके बावजूद शाम को फोन आया उस बहन जी का, 3 किलो दूध जो भैंस एक टाइम देती थी उसने कल इमीडिएटली उस भैंस ने 6 किलो दूध दिया काप से अलग, 2 बजे चारा डाला शाम को दूध, क्योंकि वो मेंटली सेट होगी। और दूध कहां से आता है मैं हमेशा बोलता हूं, अड्रेस नहीं आता, दिमाग से आता है, भैंस का दिमाग शांत होगा। शाम को वो कॉल किया उसने, मजाक किया, बोला भैंस को तो सिर्फ आपके दर्शन चाहिए थे, दूध बढ़ गया। तो ये देखो छोटा सा पॉइंट, वही नाना पाटेकर डायलॉग, एक छोटा सा मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, एक छोटी सी केयर हमारी डेयरी फार्म को फैल कर देती है। तो पॉइंट छोटा नहीं हुआ ना, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसलिए कोई भी छोटे पॉइंट को आप हड़के बना लिए, ये छोटे छोटे टिप्स मैं बोलता हूं यही डेयरी फार्म को कामयाब करते हैं। तो हम कहा थे माइक्रोफ्लोरा पे, तो जो रूमन का फंक्शन कहा हुआ, माइक्रोफ्लोरा जितने ज्यादा होंगे और वो जो जर्नली पशु की आदत है खाने की, बारीक खाने की आदत है, वो उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, वो उसी को खाना पसंद करते हैं। इसलिए आप हरियाणा का नाम क्यों लेता हूं बार बार, क्योंकि हरियाणा की बफेलो बार जाती है, आउट ऑफ स्टेट जाती है, उन्हीं की तो प्रॉब्लम आती है, उन्हीं के लिए तो ये सारा जो चल रहा है सिस्टम चल रहा है। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के, हैदराबाद के, वो एक बात ध्यान रखें कि जितना भी तूड़ा है, एक्स्ट्रा है, ड्राई फूड है, वो बारीक से बारीक डाली जाए, जैसे कुट्टी डालते हैं, कुट्टी एक तो पूरी ज्वार आप डाल दोगे, एक कुट्टी डालोगे तो कुट्टी भैंस को इजिली डाइजेस्ट होगी, और जो माइक्रोफ्लोरा है वो उसको खाना पसंद करते हैं। जब पूरी ज्वार आ जाती तो माइक्रोफ्लोरा सांसते, ये पता नहीं क्या आ गया, उसको खाते ही नहीं है वो, और वो डिस्टर्ब बैक हो जाते हैं। कुछ लोग तेल के बारे में पूछते हैं, बाईपास फैट के बारे में पूछते हैं, आपके सभी क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। जैसे पानी की टंकी के अंदर हम तेल डाल देंगे, ऐसी भैंस का पेट टैंक नुमा होता है, तेल ऊपर की पानी के ऊपर तेल डालोगे तो तिरता रहेगा, ऐसे ही भैंस के पेट में जब तेल जाएगा तिरता ऐसे रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। माइक्रोफ्लोरा उसको देख के ना वो सोचेंगे पता नहीं आज क्या अलग चीज आ गई, वो उसमें से, यदि सपोज क्या एग्जांपल के लिए 1 करोड़ माइक्रोफ्लोरा उसके अंदर है रूमन के अंदर, तो 25 लाख उसको देख के डिस्टर्ब हो जाएंगे, और 75 लाख जो ढीठ माइक्रोफ्लोरा लगाओ या इनको मतलब खाने से ही होता है, कोई जगह कोई कुछ नहीं, कुछ आदमी क्या होते हैं कहीं पे चले जाओ खाना मिल जाओ वहीं खा के सो जाते हैं, कुछ आदमी ऐसे सेंसिटिव होते हैं अपने घर पे यदि चारपाई चेंज हो जाए तो नींद नहीं आती, तो ऐसा ही माइक्रोफ्लोरा का होता है। तो 75 लाख तो दावा बोल देते हैं, 25 लाख भाग जाते हैं, तो 25 लाख के हिस्से का सपोज क्या 200 ग्राम तेल आपने भैंस को दिया तो 150 ग्राम तो 75 लाख डाइजेस्ट कर गए, और 25 लाख के हिस्से गोबर के रास्ते बाहर आ जाएगा, यानी कि वो क्या हो गया वेस्टेज चला गया आपका, उनसे नहीं उन्होंने तोड़ा उसको तो वेस्टेज, ठीक है। उसके बावजूद बाईपास फैट का क्वेश्चन आता है कुछ लोगों का, बाईपास फैट क्या होता है, बाईपास फैट भी एक एनर्जी होती है,
तेल कोई डाइवर्ट कन्वर्ट फॉर्म में दिया जाता है, बना जाता है, तोड़ मरोड़ के जितने भी फैट होते हैं उससे फैट तैयार किया जाता है। बाईपास फैट के नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाईपास फैट मतलब बाईपास रोड। एक रोड सिटी के अंदर से जाती है, प्रॉब्लम होती है, कभी जाम आ गया, कभी बत्ती आ गई, और एक बाईपास रोड जो सीधा जाता है। तो बाईपास फैट जो होता है, तेल वाला घी वाला ही काम करता है, वो रूमन के लास्ट पार्ट पे सीधा डायरेक्टली जाता है, कहने का मतलब सीधा लीवर के पास जाके उसको ग्लूकोज में डाइवर्ट कर देता है, बीच के फंक्शन खत्म हो जाते हैं। तो तेल और बाईपास फैट एक ही चीज होती है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा, एनिमल के लिए तैयार किया जाता है। बट जो तेल होता है वो आप समझ गए होंगे, माइक्रो फ्लोरा कुछ उसको खाना पसंद नहीं करते, तो वो अनडाइजेस्ट फॉर्म में बाहर आ जाता है, ये इनमें डिफरेंट है। और फैट क्या होता है, तेल क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये तो था माइक्रो फ्लोरा का फंक्शन, कि माइक्रो फ्लोरा की तादाद जब घट जाती है, जब पशु कहीं जाके अपसेट हो जाता है, तो उसके माइक्रो फ्लोरा क्यों डिस्टर्ब होते हैं आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पशु का इमीडिएटली खाना चेंज होगा, वो खाते नहीं थे, और जो ही वो तब लग उसके ऊपर खाना स्टार्ट करेंगे या किसी मेडिसिन से एक्टिव होंगे तो उसमें काफी टाइम निकल जाता है, और तब लग समस्या क्या आती है जिसके लिए हम सारे गाने गाते हैं दूध पे, तब लग हमारी भैंस का 60 से 70 दिन का टाइम निकल जाता है, यानी कि पीक निकल जाता है हाफ टाइम, और फिर भी उसको प्रॉपर शेड्यूल तो मिलता नहीं है। गुजरात में चले गए तो हरियाणा वाला तो मिला नहीं, फिर भी थोड़ा फिर भी मिला वही, तो उस पे वो पीक नहीं आएगा। ये पीक के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फीडिंग, और किस तरीके से कर रहे हो वो मायने रखता है। तो दूसरा, इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, आपको वीडियो के बराबर में इनकी फोटो मिलेगी, माइक्रो फ्लोरा कैसे बढ़ाए जाते हैं और कैसी कैसी इसके लिए दवाई आती है, जितनी भी भूख की दवाई आती है, गोलियां आती है, पाउडर आते हैं, वो सभी क्या होते हैं, माइक्रो फ्लोरा को इम्प्रूव करने की दवाई होती है। क्लियर हो गया ये बात आपकी, भूख की दवाई का क्या काम होता है। उसके बावजूद कुछ लोग क्या करते हैं, बोला जी मेरी भैंस खाती नहीं, मैंने लीवर पिला दिया, ये पिला, अरे लीवर का काम ही नहीं है, काम किसका था, माइक्रो फ्लोरा का, ठीक है। उसके बावजूद लीवर का क्या काम है, अब आती बात लीवर की। लीवर का काम यह है, जब माइक्रो फ्लोरा ने भैंस ने पूरा खा तो लिया, खाने के बाद आपकी भैंस का पूरा डाइट खा रही, कुछ लोगों की शिकायत होती है आप में से 70% की, मेरी भैंस नीरा पट्ठा पूरा खा रही है, बट बॉडी वेट फिर भी कमजोर होता जाने लग रहा है, ये आया लीवर का काम। उसने खा तो लिया लेकिन लीवर ने उसका पूरा रस नहीं निकाला, उसको निचोड़ा नहीं, यानी कि ये कहे कि आप गन्ना चूस रहे हो और आधा दबा के बाहर फेंक रहे हो, तो पूरा रस आप नहीं ले पा रहे, तो उसको खाने पीने का पूरा रस निकालने का काम लीवर का होता है। लीवर प्रॉपरली फंक्शन, लीवर काम करेगा अपने काम को प्रॉपरली करेगा तो भैंस खाने के हिसाब से बॉडी बढ़ाएगी, दूध भी देगी, चारा पूरा खा रही है, दूध कम दे रही है और बॉडी भी कमजोर हो रही है, दैट इज द फंक्शन ऑफ लीवर, ये लीवर का काम है। तो उस स्टेज में आपको लीवर टॉनिक देने की जरूरत है, पेट टूटा जा रहा है, लाल गात हो रहा है, दाना पूरा सही खा रही है, कमजोर लीवर का फंक्शन। तो ये जितने भी फंक्शन होते हैं तो लीवर का आप समझ गए होंगे, उस स्टेज में आपकी भैंस चारा खाने के बावजूद और उसके बावजूद आपकी भैंस सही से बॉडी नहीं बना रही या प्रॉपरली दूध नहीं दे रही, तो आपकी भैंस का लीवर डिस्टर्ब है, भूख का इससे कोई सिस्टम नहीं है, और जब धीरे धीरे लीवर डिमेज हो जाएगा तो फिर लास्ट स्टेज में आपकी भैंस खाना छोड़ती है। तो ये है लीवर का फंक्शन, और वो था माइक्रो फ्लोरा का फंक्शन। इस तरह हम ये एक दूसरे के दोनों ही चीज पूरक हैं, इन दोनों को प्रॉपरली आप मैनेज करोगे, खासकर जब डिवर्मिंग आप करते हो पशुओं की, तो डिवर्मिंग के बाद ही खासकर लीवर, क्योंकि जब हम लीवर के ये दवाई देते हैं, कीड़ी गोली देते हैं, तो बाई चांस यदि उसमें कीड़े हैं तो वो जब लीवर इसको मरते हैं दवाई से, तो लीवर को नोच नोच के खा जाते हैं और लीवर जख्मी हो जाता है। ये काफ भी प्रॉब्लम आती है, और भैंस में काफ का हम अलग लेके आएंगे वीडियो। तो जस्ट बाद लीवर टॉनिक देना जरूरी होता है डिवर्मिंग के बाद, वैसे आपका पशु नॉर्मल सब कुछ पी रहा है, बढ़िया है, तो आपको लीवर टॉनिक देने की जरूरत नहीं है। तो एक इसी से रिलेटेड एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, पीछे किसी भाई ने कमेंट डाला, मैंने कहा कि हरा चारा जितना दोगे उतना ही पशु क्या करता है, जहर ज्यादा जाता है। एक ने कहा कि तूड़े में जहर नहीं होता, उसमें खाद नहीं पड़ता। इसका मैं आपको आपकी लहजे में समझा देता हूँ,
एक कोई भी पॉइजन की बोतल है एक लीटर की, उस बोतल को आप डायरेक्ट एक कप भर के पी लो, एक घंटे के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाओगे और आप इस दुनिया से चले जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने डायरेक्ट उसको जाते हुए हाथ को पार देती है, गैस होती है उसके अंदर। एक आप पॉइजन 100 ग्राम जहर किसी 200 लीटर ड्राम में 400 लीटर ड्राम में डाल, लेकिन वो पानी पी लोगे तो आपको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता, आप मरोगे नहीं। तो वैसा ही सेम तूड़े का है, एक तो तूड़ा 5 महीने बाद खिलाते हैं, और एक दूसरी चीज, अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूं, ग्रीन फोडरा आज ही उसमें फ्लूड पानी ज्यादा होता है जाएगा तो जहर की मात्रा ज्यादा जा रही है। ऐसे ही खड़ में बीटी कॉटन जहर है, मैं कहता हूं जहर है, हमारे एक वैज्ञानिक ने विरोध भी किया था इसका और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी बीटी कॉटन का विरोध करने के लिए, वो भी एक वैज्ञानिक था। सभी वैज्ञानिक एक जैसे नहीं है, बहुत अच्छे भी हिंदुस्तान में वैज्ञानिक है जो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी सिंगल वोट होती बेचारों की, चल नहीं पाती, सारा सिस्टम भ्रष्ट होता है, एक वैज्ञानिक एक बढ़िया होता है तो उसकी दौड़ नहीं पाती, वो कुछ कर नहीं पाता। तो वो एक अलग टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को मेरी बात, इसमें से जो डॉक्टर है या वैज्ञानिक है उनको हर्ट भी होती है, फिर क्या करें, सच्चाई है भाई, बोलता हूं मैं, और हो सकता है मेरी ज्यादा सच्चाई बोलने से मेरे कभी इस चैनल को गिरा, हो सकता है ब्लॉक भी किया जाए, पर मैं सच्चाई बोलता रहूंगा, ठीक है। तो आप ये जो बातें बोलता हूं इनको नोट कर लिया करो, पता ना मेरा चैनल इस तरह की भाषा या इस तरह की सच्चाई बोलने से कब बंद हो सकता है, तो आपके ये जिंदगी भर काम आएंगी बातें। तो जो पॉइजन का जो हमारा रहा, डायरेक्टली आप ग्रीन फोडर में देते हो तो वो डायरेक्टली पॉइजन जाता है, जल्दी जाता है और ज्यादा मात्रा में जाता है। एक बरसीन के अंदर, जई के अंदर, मक्का के अंदर कितना पानी होता है तो उसमें पॉइजनिंग की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती है। हाँ, उसको कम दोगे आप 10 किलो 15 किलो 20 किलो दोगे तो वो एक हद तक ठीक है, लेकिन जो बंदा डेली का एक क्विंटल तक घास खिला देते हैं उसका क्या इलाज, जो टोटली जहर दे रहा है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो तूड़ा फॉर्म में देते हैं तो ड्राई कोई भी चीज सूख जाती है तो उसका पॉइजन की मात्रा ऑटोमेटिक घट जाती है। एक सल्फास की गोली डायरेक्ट बंदा खा जाए, एक घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर मौत हो जाएगी। सल्फास की गोली को धूप में रख दो, 2 घंटे रख दो, उसकी राख हो जाएगी, और उस राख को यदि आप चाट लोगे तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है आपके लिए, आप मरोगे नहीं, क्योंकि उसकी गैस थी वो खत्म होगी। इसी तरह ग्रीन फोडर के अंदर जो चारा खाते हैं उससे पशु के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसें बढ़ती हैं। उसके लिए फिर एक फंक्शन और हो गया, जो ये भी रूमन से रिलेटेड है, गाय के अंदर देखने को मिलता है आप लोगों को उस जहर का, उससे कैसे रोक सकते हम, उसके लिए 3 चीज है रूमन को नॉर्मल फंक्शन में रखने के लिए। एक तो न्यूट्रिस्ट, न्यूट्रिस्ट का मतलब माइक्रो फ्लोरा बढ़ाने के जितने भी दवाई आते हैं दैट इज न्यूट्रिस्ट, माइक्रो फ्लोरा आते हैं। अब पशु ने खा तो लिया, खाने के बाद अगला क्या काम करता है, एसिडोसिस, सुना होगा आपने कई बार, कुछ लोगों ने सुना होगा जो डेयरी फार्मर है या कहीं डेयरी ट्रेनिंग लेने गए हैं, एसिडोसिस। एसिडोसिस किसको बोलते हैं, गैस को, जो खाता है पशु से फिर गैस बढ़ती है। उस गैस का क्या फंक्शन होता है, गैस का मतलब होता है फूंक देना, वो माइक्रोफ्लोरा का फूंक देती है, और उसका रिजल्ट क्या दिखता है, गाय में देखने को मिलता है, भैंस की इम्यूनिटी मजबूत होती है, इसकी बीमारियों की क्षमता ज्यादा होती है भैंस की, इसलिए ये बहुत लास्ट स्टेज पे जाके इन बेचारी हथियार डालती है, नहीं तो लड़ती रहती है भैंस। एचएफ गाय में देखने को मिलेगा इसके एसिडोसिस के क्या नुकसान होते हैं, पहली स्टेज पे क्या होगा, गाय का दूध घटेगा, दूसरी स्टेज पे क्या होगा, ऐसे आपकी गाय बिल्कुल स्ट्रेट है तो फिर उसकी बॉडी टेढ़ी हो जाएगी गाय की, एचएफ गाय की, एचएफ गाय में ऐसा देखने को मिलेगा। तीसरी स्टेज में क्या होगा, वो लंगड़ा स्टार्ट हो जाएगी, लंगड़ापन चलेगा उसमें, उस टाइम पे दूध भी घट जाएगा, चलने में दिक्कत, वो क्या होगा, गैस पहले पेट में बनी कुबड़ी होगी, पेट में स्ट्रेस रहा, आपने संभाली नहीं क्योंकि आपको पता नहीं आप क्या डाल रहे हो इसके आगे, बावजूद उसके फिर वो गैस भरते करते पूरी वेन ब्लॉक कर दी, टांग तक नीचे तक लेग तक वो गैस चली गई, तो नसों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, गैस ज्यादा भर गई, तो गाय को लंगड़ाना स्टार्ट कर दिया, वो लास्ट स्टेज होती है एसिडोसिस की, और उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता, 5% का इलाज होगा, 95% ऐसे ही मर जाएगी या पड़ी रहेगी, चलना फिरना बंद कर देगी, दूध की तो उम्मीद छोड़ो। और वो बीमारी कहां से शुरू हुई, खाने पीने से, ज्यादा हरा चारा देने से। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये साइलेज क्या होता है, ये साइलेज का भी कुछ ऐसा ही है सिस्टम, ये साइलेज इमीडिएटली बड़े फार्मर के लिए तो सक्सेस है,
हरे चारे की जगह हरा चारा डालते हो वहां साइलेज डालते हैं लोग, इमीडिएटली बैग खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक छोटा फार्मर है साइलेज का बॉकेट ले लिया उसने, उसमें 5-10 क्विंटल आता है, उसके 10 दिन में खत्म होगा, वो साइलेज खुलते ही तीसरे दिन में उस पे फंगस लग जाती है धोली धोली फफूंदी, वो फफूंदी जहर होता है, पेट में जाएगा एसिडोसिस को जन्म देगा, उस एसिडोसिस पेट में हो गया तो ब्लड में चला जाएगा, ब्लड में हो गया तो दूध में, तो कहां आ गई बात है इन्फेक्शन पे। देखो कितना चेन सिस्टम जुड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है। अगर साइलेज डालने से मेरे फार्म के अंदर ये थनेला की बीमारी आ गई, तो ये बड़ा गहरा विषय है। बहुत सारे आप में से विद्वान आदमी होंगे जो ऑलरेडी जानते होंगे और कहेंगे हमें इस बात का पता है, पर कुछ ऐसे भाई भी हैं किसान भाई मेरे जिनको इसके बारे में पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पर फोन आते हैं इसलिए मुझे पता है, उनको पता नहीं है वो पर्सन क्या होता है, साइलेज देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आज सारे डाउट आपके मैं क्लियर कर रहा हूं, कैसे देना चाहिए साइलेज दो तो जल्दी से जल्दी इमीडिएटली 1-2 दिन में खत्म कर दो उसको पैकेट को खोल के ने, और यदि लंबे टाइम पे आपका चलेगा तो नहीं देना चाहिए, सीधी सी बात क्लियर होगी। मेरे से क्यों कहलाते हो आप, तो कुछ तो आप भी तो अपने दिमाग को खोल के ने सोच लिया करो, किसका कैसे देंगे तो फायदा होगा और कैसे देंगे तो नुकसान होगा। तो एसिडोसिस के लिए भी दवाई आती है, पहला क्या हुआ न्यूट्रिस्ट जो भूख बढ़ाता है, भूख तो बढ़ गई, वो सड़ गया सामान, एसिडोसिस बन गई, गैस बन गई। अब उस गैस से छुटकारा कैसे दिला जाए, टॉक्सिन बाइंडर जो आप में से बहुत सारे कहते हैं हमने टॉक्सिन भी डलवाया है, वो आपने टॉक्सिन तो सुन लिया लेकिन ये नहीं टॉक्सिन का काम क्या होता है। टॉक्सिन का काम क्या होता है, वो जितने भी गैस बढ़ती है गैस का तो सॉरी एसी बफ आप जो दोगे मीठा सोडा भी दे सकते हो या एसी बफ आता है इसके लिए, वो गैस को रिमूव करता है। लेकिन हमने गैस को रिमूव कर दिया पर डेली जो जहर बॉडी में गया थोड़ा 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 चारे के साथ, एक भाई ने कहा खड़ नहीं तो जहर है, बिल्कुल जहर है लेकिन वही सल्फास और पॉइजन वाली बात है, डायरेक्ट जहर नहीं है, 100% की बजाय 10% जहर है खड़ में, वो बॉडी को डिस्ट्रॉयड तो नुकसान तो करता है लेकिन जानलेवा नहीं है, एक लास्ट स्टेज पे जाके जानलेवा बढ़ता है। वो तुम्हारे हर अनाज में है, फिर चने में भी है, गेहूं में भी है, मेथी में भी है, तारे मीरे भी में है, हाड़ों में भी, जो भी आज जमीन से पैदा होते हैं। और वो जहर कहां से आया, वैज्ञानिक लेके आए, हमारे किसान की ऐसी सोच को डाइवर्ट कर दिया, यूरिया पे ले आए। 30 साल पहले सब ऑर्गेनिक था, नहीं था यूरिया, नहीं था पेस्टिसाइड। अब आपने घास काटने की बजाय घास फूकने की मशीन चाहिए, घास फूकने वाली वो जमीन में गई, वो हर अनाज के माध्यम से हमारे पेट में भी आ गई और पशुओं के भी। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पंजाब स्टेट, जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट, क्यों, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड और यूरिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल हमारे पंजाब में होता है। 50-60 साल तक हम पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहे, वहां मिडिल फैमिली पर होते ही नहीं, और 50 के बाद वो डॉक्टर के पास पैसे उल्टे देने स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप को दोबारा सोचा जवान हो जाएंगे, जवान नहीं होते। पहले दिन जाते हैं डॉक्टर 4 दवाई देता है और हर साल उसमें 2 बढ़ाता रहेगा और आखिरी टाइम तक 20-25 टेबलेट पे ले जाता है। तो हमारे दिमाग को ऐसे डाइवर्ट किया जाता है, हमारे साथ ऐसा गेम खेला जाता है, वही पशु खाते हैं उनके दूध से वही होगा और उनका जीवन भी पशु का ऐसा हो गया। तो ये दवाइयां देना हमारी मजबूरी होगी। मजबूरी क्यों होगी, जो इस दवाई के पीछे षड्यंत्र है ना, बहुत बड़ी कंपनियां है, उन्होंने ये यूरिया तैयार करवाया, ऐसे पशु बीमार हो गए, ऐसे आदमी बीमार हो गए और फिर हम उसके लिए दवाई लेके आएंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, ग्राउंड चाहिए। तो आज तैयार है, आप देख रहे हो भैंसों कितनी सारी, कहां होते थे टॉक्सिन बाइंडर, कहां न्यूट्रिस्ट होता था, कहां पे ये एसी बफ होता था, सभी 15 सालों की देन है। इन्होंने देखा आज ह्यूमन बॉडी में तो हमारा पेटा कौन भरा, बिजनेस छोटा पड़ गया, अब एनिमल को और इसका शिकार करो और पशुओं को ऊपर तरह तरह की दवाइयां ले आई बाजार में कंपनियां और हमें देना मजबूरी क्यों हो गया, क्योंकि हम यूरिया खिलाते हैं। खिला लो यूरिया, मैं कम ना करता हूं, ज्यादा ज्यादा खिलाओ, ज्यादा ज्यादा हरा चारा खिलाओ, उतना ही आपके पशु ज्यादा बीमार होंगे। लेकिन आपके बीमार हो गए तो मैं एज ए मॉरल ड्यूटी या मुझे जो पेन होता है किसान कैसे बर्बाद होते हैं, इसलिए आपकी आंख खोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो एसी बफ का क्या काम है, जो गैस बनी उसको रिमूव करने का। टॉक्सिन बाइंडर अब क्या है, जो जहर जो गया बॉडी में
वो धीरे धीरे कोलेक्ट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो टॉक्सिन वाइंडर आप महीने में 7 दिन दोगे तो जितना भी वो जहर है उसको अंदर अपने अंदर समेट के ना और गोबर के रास्ते से बाहर निकाल देगा। तो आपके पशु में जो जहर बढ़ता जा रहा है हर महीने जितना बढ़ा वो साथ साथ निकलता रहेगा। ये है टॉक्सिन वाइंडर का काम। जैसे एक सांप तारकुल के ड्राम में डाल दोगे वो उसमें दलदल में फंस जाएगा, वो निकल नहीं सकता ना आपको खा सकता। इसी तरह जो भी बॉडी में जहर बनता है टॉक्सिन बाइंडर उसको रुमन से होता हुआ और बॉडी में हर जगह तलाश करता हुआ उस जहर को अपने अंदर समेट के ना गोबर के रास्ते से बाहर निकाल देगा और आपका पशु स्वस्थ रहेगा, उसके जाग नहीं आएंगे और वो जहर से बचा रहेगा, बीमार नहीं होगा। इन तीन चीजों का न्यूट्रिस्ट का काम क्या है, भूख बढ़ाने का, माइक्रोफ्लोरा को पैदा करने का। और एसीबफ क्या होता है, एसीबफ का मतलब जो खाया पिया पर जहर बन गया, जैसे कि मसूरी आती है ना वो पेट फूल जाता है बंदे का, खाया बोले उल्टा सीधा खाया, तो उसके लिए फिर इनो की जो आती है एड, तो ये वही है एसीबफ। भैंस खाती तो है लेकिन उल्टा सीधा खिलाते हैं हम, और उसको रिमूव करने के लिए एसीबफ की जरूरत है। महीने में 7 दिन दे दो, मुंह में से भैंस के बदबू नहीं आएगी। और फिर बात रही तीसरी स्टेज जहर की, तो वो जो जहर है उसके लिए टॉक्सिन बाइंडर। तो आज आपके पेट से संबंधित सारे डाउट मेरी ख्याल में क्लियर हो गए होंगे। आगे फिर ऐसी ही वीडियो आपके लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और पहले की तरह किसी भाई के ये रहे अगवाई, मुझे तो ये सभी बातों पता है तो वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेगा, ये तो उनके लिए है जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जो एक्सपर्ट बंदे हैं उनके लिए नहीं है। धन्यवाद।